नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी कोई रेडमी फ़ोन लिया है तो उसमें पक्का एक दिक्कत आ रही होगी कि आप उसे पीसी से कनेक्ट करके फाइल्स ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे होंगे। तो आपको अगर उसको सॉल्यूशन जानना है तो आपको सिंपल यूएसबी डीबगिंग अनेबल कर देना है और फिर सारा कुछ सिंपल हो जाएगा, आप फाइल्स ट्रांसफ़र कर पाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ उसे कैसे अनेबल करते हैं। आपको सेटिंग्स में जाना होगा, देन आपको अबाउट डिवाइस में जाना होगा, आपको ये MIUI वर्जन को टैप करना होगा 7 टाइम्स, फिर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा दैट नाउ यू आर अ डेवलपर। फिर आपको बैक जाना होगा, आपको एडिशनल सेटिंग्स में जाना होगा, फिर आपको डेवलपर ऑप्शंस खोलना होगा और फिर आपको डेवलपर ऑप्शंस को एनेबल कर देना है और फिर ओके दबा दीजिए। फिर जो यूएसबी डिबगिंग का ऑप्शन है आप उसे ऑन कर दीजिए और अब आप अपने फ़ोन को पीसी से कनेक्ट कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ पे एक डेमो देके दिखा देता हूँ गाइस। जैसे ही मैं अपना फ़ोन कनेक्ट करूँगा आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको जस्ट उस नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करना है और फिर आपको नीचे सेलेक्ट कर देना है ट्रांसफ़र फाइल्स। अब आप फाइल्स ट्रांसफ़र कर पाएंगे अपने पीसी से, आपको पीसी में अपना फ़ोन दिख गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी कर देना वीडियो को यार प्लीज़।